ये क्या है? वेल गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मेरे पास अभी जेब्रोनिक का जो है 32 इंच का मॉनिटर आया है, जो कि हमने ऑफर में परचेस किया है। तो अच्छा, आज करने वाले हैं इसी मॉनिटर का अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइस, माय नेम इज तनाज, यू आर वाचिंग तनाज टेक, लेट्स बिगिन। तो गाइस चलिए इस पॉलिथीन को भी हम जल्दी से काट लेते हैं। तो चलिए इसको जो है हम बॉक्स से निकाल लेते हैं इसको जल्दी से। तो दोस्तों, बॉक्स को ओपन करते ही हमको एक केबल मिलता है जिसको हमको पावर सॉकेट देना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ ये हमको VGA केबल मिलता है डेस्कटॉप के लिए। हमको उसी साथ में एक स्टैंड मिलता है जिसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे, इसको फिट करके आपको दिखाएंगे। इसको चलिए साइड में रखते हैं। साथ ही साथ ये पावर केबल भी हमको देखने को मिलता है और ये हमारा स्टैंड का दूसरा हिस्सा। तो इन सबको साइड में रख के एक और चीज़, यहाँ पर AUX यानी ऑक्स केबल भी हमको इसके साथ देखने को मिलता है ऑडियो आउटपुट के लिए। तो चलिए हम इसको साइड में रख के अब इसको अनबॉक्स करते हैं प्रॉपरली। तो गाइस जल्दी से हम इसको जो है फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद इसका फाइनल आउटपुट हम देखेंगे। तो गाइस हमारा यहाँ पे स्टैंड लगाना कंप्लीट हो गया है। चलिए इसको खड़ा करके रखते हैं। तो अगर पोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पर हमको एक HDMI, एक VGA, एक ऑडियो इन और एक DC यानी डायरेक्ट करंट का हमको पोर्ट देखने को मिलता है। बाकी आप यहाँ पर इसका ब्रांडिंग लोगो देख सकते हैं। पावर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर AC 220 440 वॉट का दिखा रहा है आपको। हम इसको चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो हमारे पास अभी कोई डेस्कटॉप नहीं है तो हम इसको अलग से एक HDMI केबल परचेस किए हैं। लैपटॉप के साथ इसको जो है HDMI में कनेक्ट करके देखेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको कनेक्ट करके उसके बाद आते हैं आपके पास दोबारा। चलिए इसको ऑन कर लेते हैं हम जल्दी से। ऑन करके हम जो है लैपटॉप के साथ इसको HDMI केबल में कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो है मॉनिटर लैपटॉप के साथ डायरेक्टली HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट हो गया है। अब हम कुछ इसमें वीडियो टेस्ट करेंगे। चलिए YouTube को जो है ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अभी ये मॉनिटर के स्पीकर से ही डायरेक्टली आवाज आ रही है, तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। चलिए मैं आपको आवाज भी क्वालिटी सुना के देता हूँ। तो हम इसमें कुछ 8K वीडियो भी चला के देख लेंगे, 8K वीडियो इसमें कैसा चलता है। तो आप यहाँ पर इसका पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी है। यहाँ पर कलर एक्यूरेसी बहुत ही
अच्छा, तो आप साइड से इसका पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऑसम है। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो गाइस, ये मुझे फ्लिपकार्ट से भी 12,800 रुपये में मिल रहा था, लेकिन अमेजोन में एक HDFC का आपका नो कॉस्ट EMI का भी ऑफर मिल रहा है देखने को। तो जब मैंने इसको परचेस करने की कोशिश किया था फ्लिपकार्ट से, उधर मुझे सिर्फ कार्ड डिस्काउंट ही मिल रहा था, लेकिन जब मैंने अमेजोन से ट्राई किया तो वहाँ पर मुझे कार्ड डिस्काउंट के साथ साथ नो कॉस्ट EMI का भी डिस्काउंट देखने को मिला। तो कुल मिला के यहाँ पर मुझे 10,500 समथिंग पे करना पड़ा इस 32 इंच मॉनिटर के लिए। तो आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आप इसे परचेस करना चाहोगे। बाइंग लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस मॉनिटर को परचेस कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगले नया एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।